तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो बात करते हैं हम कल के होने वाले बेस्ट स्टॉक्स या पोजिशनल स्टॉक्स, जो आपको 1 से 2-3 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा 5 से 10% का रिटर्न देकर जाएंगे ओपन चैलेंज के साथ, बिना रिस्क के डिलीवरी बेस कॉल दूंगा। सुनना इस वीडियो को पूरा एंड तक, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस मार्केट में अकेला सुमित है जो आपको ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर छोड़ेगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे आपको उसका टारगेट एसएल कुछ भी समझ में नहीं आने का। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है मैग्मा, मैग्मा फिनकॉर। तो अभी ये क्या कर रहा है, अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आकर खड़ा हो गया है। तो अभी आप लोग देखो, मैंने इसमें 5 मिनट की कैंडल लगाई है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिवर्स होना इसने चालू कर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें जो थोड़े दिन से मतलब वॉल्यूम वगैरह इसमें लेस चल रहा था, बट अब फाइनली ये यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ये एक इसने अपना एक यहाँ से इम्पोर्टेंट सपोर्ट को फॉलो कराया और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये अपर सर्किट देगा या फिर 2-4% देगा या नहीं देगा। वैसे उम्मीद है ओपन चैलेंज के साथ आपको ये 4-5% सेमली देकर चला जाएगा, और अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो कल भी आपको ये अपर सर्किट लगता हुआ देख सकता है। तो आप इस स्टॉक पर अपनी नज़र ज़रूर बनाएं और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसे बाय करें। अगर आप लोग इसे इस रेट में बाय करेंगे यहाँ पर, तो आपको इसके इजीली ये वाले टारगेट्स और ये वाले टारगेट्स और ये वाले टारगेट्स इसके आपको अचीव होते दिखेंगे। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है पूरा ढंग से, इसका स्टॉप लॉस वगैरह आपको कितना इसका टारगेट रखना है या क्या करना है, और आप इसके अकॉर्डिंग से बाय और सेल भी कर सकते हैं। अब हम अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, इसका नाम है प्रिज्म जॉनसन। अभी ये क्या कर रहा है, काफ़ी टाइम से ये भी एक रेंज में घूम रहा था, बट फाइनली एक बोल सकते हैं कि इसने ये वाली कैंडल बनाई है, और इसके अकॉर्डिंग अब इसके यहाँ से चांसेस ऊपर जाने के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये आपको हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले ले, सेम डे आपको ना दे, एक दिन के अंदर रिजल्ट ना दे, बट आपको 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको ये रिजल्ट दिखा देगा। यहाँ से 4-5% ऊपर यहाँ से जाना चाहिए। बाकी बात करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हो इसने ये वाली कैंडल बनाई है, और इसमें एक कुछ हुआ आज के दिन, मैं देख रहा था नोटिस कर रहा था 12 बजे के आसपास इसमें एक ह्यूज कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऑपरेटर इसमें एक्टिव हो चुका है और उसने अब इसमें रिवर्सल की यहाँ से घड़ी इसकी स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग एक बार इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र बनाकर ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भी एक रेंज में घूम रहा है। अब जैसे ये यहाँ से फटना स्टार्ट कर देगा तो एक अच्छी खासी मूव आप लोगों को दिखा सकता है ओपन चैलेंज के साथ। और आपको मैग्मा तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बाकी एक बार अपने स्टॉप लॉस उसमें टाइट लगाकर बैठना, आपको कल ही 4-5% वहाँ से दौड़ता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे प्रिज्म जॉनसन के हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो इसके प्रिज्म जॉनसन के इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वाले हैं, आपको इस रेट के अंदर बाय करना है। टारगेट इसके काफ़ी ह्यूज होने वाले हैं, 2-3-5% तक के इसके टारगेट है। स्टॉप लॉस आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में देखो आप लोग जब तक स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट नहीं करोगे मार्केट आपकी रेस्पेक्ट नहीं करने का है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो ज़रूर दें उसे, क्योंकि वो आपको एक नई चीज़ सिखा कर जाता है। वैसे चांस मोस्ट इसमें डिलीवरी बेस में यही है कि स्टॉप लॉस का कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है, और आपको ये दोनों स्टॉक हो सकता है मैग्मा आपको कल ही फटते हुए दिख सकता है, और प्रिज्म जॉनसन भी आपको 2 से 3 दिन में ब्लास्ट होता हुआ दिख सकता है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ पोजिशनल स्टॉक, और आप लोगों को इसके टारगेट्स भी काफ़ी ह्यूज नज़र आ सकते हैं प्रिज्म जॉनसन के। और बात करते हैं हम आज के बेस्ट स्टॉक जो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में दिए थे ओपन चैलेंज के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे बारे में जानते हो, मैंने ओपन चैलेंज के साथ आपको कल रशील दिया था, आज उसने 10% का सर्किट मारा। शारदा मोटर्स आज 2015 का हाई मारा 4% अप। अदानी ट्रांसमिशन भी आज अपर सर्किट लगा। तो 3 स्टॉक दिए, 3 को मैंने आपको ओपन चैलेंज के साथ बोला था डंके की चोट पे कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मेरे स्टॉक भागते नजर आएंगे, और रिजल्ट आप लोगों के सामने। रशील ने 10% अपर सर्किट लॉक, अदानी ट्रांसमिशन अपर सर्किट लॉक, और सिनीकॉम हमारा लगातार 2 दिन में आप लोगों को 10% का गेन दे चुका है। तो फिर से बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज के साथ अगर आपको इस मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल बना सकता है तो मैं ही बना सकता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना तो आपने कुछ नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देखो 2 से 3 दिन में इसमें 300-400 लोग और ऐड हुए, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसमें 2800 लोग ज़्यादा प्लस 2800 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन करा है। तो इसमें आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम की, वरना आप लोग टेलीग्राम पे जाके सुमित स्टॉक मैजिक को भी क्लिक ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी इंटरडे वगैरह या पोजिशनल कुछ कॉल बनती है मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आपको मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।